यानी अगर आपके बच्चे मार्शल आर्ट में लेकिन कोई प्रोफेशनल लेवल पे कर रहा है या फिर वैसे भी कॉलेज में कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे बुला नहीं रहे, मैं उधर आऊँ, ये इधर फ्रेम कहाँ अच्छा है वहाँ चला जाता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ भी अच्छी ठंड, मुझे यहाँ भी ठंडी हवाएं आ रही है, अच्छा लग रहा है, हंसी दी ठंडी हवाएं, बेगम भी मेरी शादी रहेगी सारी जिंदगी, ये भी ना बेगम सारी जी जी चलता इंटरव्यू पाक होता है। सर कैसी चल रही है लाइफ? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है, इधर से चल के आई है, इधर से यहाँ आ गई, बस इतनी सी लाइफ बस नहीं लाइफ है माशाल्लाह, थोड़ी लंबी से पीछे स्ट्रगल है, काम है और बस अब बैठे हुए हैं, है ना, अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन। और मुझे ये बताइए, मैं इनसे अभी पूछ रही थी कि आप लोगों ने माशाल्लाह जब भी काम किया, बता रही थी कि आपकी इंटरनेशनल मूवीज हुआ करती थी, हमेशा कपल्स और पेयर हुआ होते थे, लेकिन साहब जिस कपल या पेयर में ही किसी और के साथ पेयर होते थे मूवी में, आपको गुस्सा आता था, कोई जालिस होती थी? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी, मैं भी बड़ी समझदार थी कि मैंने सारी दूसरी अपनी जो को स्टार्स थी अपनी दोस्त बना लिया था, इनकी बहन बना लिया था। That is smart, you know? अच्छा, आप नॉर्मल डेली लाइफ में भी इसी तरह आपका चलती रहती है थोड़ी थोड़ी नोक झोंक या फिर सीरियस हैं दोनों? नहीं, मैं घर में बड़ा सीरियस हूँ, कैमरे के आगे पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, आम जिंदगी में मैं बहुत मतलब एक नॉर्मल वाले सीरियस हैं या गुस्से वाले? नहीं, गुस्सा तो मुझे इतना नहीं आता, लेकिन गलत बात पे बहुत जरूर आता है, चाहे वो बाहर हो या घर, लेकिन घर में लोग समझते हैं ना कि मैं हर वक्त हंसी मजाक ही करता रहता हूँ, नहीं, मैं बड़ा एक संजीदा और सीरियस आदमी हूँ, मुझसे वो वाले काम नहीं लिए गए, मुझे एक ही तरफ लगा दिया गया है ना, जिसके ऊपर एक स्टैंप लग जाए। हाँ, वो ये ऐसे ही है। घर में कौन डोमिनेट है, किसका किसका रोल है? मेरा। आपका रोल है? पूछो। इसकी मोहब्बत है, वरना ये आगे से बोले थे बंदा थे, फिर किधर किसी एक को गुस्सा आ रहा हो ना, एक को चुप रहना चाहिए, रिश्ता नहीं बचाता, बेहतरीन तरीका। और जब मुझे गुस्से में देखती हैं तो ये चुप कर जाती हैं, और जब ये गुस्से में होती हैं तो मैं तो चुप ही कर जाता हूँ, तो इसलिए रिश्ता जब चल पड़ता है। गड़बड़ वहाँ होती है खवातीनों ज़रात रिश्ते में, जब मियाँ बीवी एक के गुस्से के ऊपर दूसरा अपना गुस्सा उसी वक्त कर रहा हो, अगर आप सही भी है ना तो आप थोड़ी देर चुप कर जाएं, और जब आप चुप कर जाएंगे तो अगले को समझ आ जाएगी, यार मैं गलत था, जब गुस्सा शैतान हटता है ना तो बंदे को समझ आ जाती है सही कौन था या गलत कौन था, तो जब उसको रियलाइज होता है ना कि यार मैं गलत था, फिर भी ये नहीं बोली, या वो लड़की अगर हो तो वो कहे ये मेरा मियाँ नहीं बोला, तो फिर फौरन सुलह भी होती है और फिर प्यार बढ़ता भी है, बेहतरीन, बस उस वक्त इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि हमारे जितने सक्सेसफुल और हैप्पी कपल है ना, उनकी तरफ से ये तमाम जो आने वाले जनरेशन के कपल्स हैं उनके लिए मैसेज है। और मैं ये कहूंगा कि आजकल की जो लड़की है ना वो बर्दाश्त नहीं करती, बर्दाश्त करना चाहिए, इस वक्त जो सुनने में आता है ना रिश्ते जो टूटते हैं शादियां, बड़ा दिल दुखता है, बर्दाश्त के साथ साथ वही ना जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि ये, क्योंकि कभी भी किसी को भी गुस्सा आ जाता है तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किस तरह करना चाहिए, ये एक सुनहरी राज है, रूल है जो कि आज आपको इन्होंने बता दिया है। तो मैं अपनी बच्चियों से, बेटियों से, बहनों से यही कहूंगा, आजकल बहुत ज्यादा ना बराबरी बहुत अजीबोगरीब एक सिलसिला यहाँ पे, कुछ मोमबत्ती माफिया है जो बराबर होना चाहते हैं, जो अल्लाह ने बराबर नहीं किया मियाँ बीवी को, मर्द और औरत को फर्क रखा है, तो अल्लाह ने जब हाकम बना दिया तो बीवी हाकम के, आप उसके साथ चलेंगी ना, उसके दो ऑर्डर मानेगी ना वो आपके 10 ऑर्डर मानेगा, अगर आपके ऊपर अपना आधा ऑर्डर भी मनवाना चाहेंगी ना फिर जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। बेशक, और हर बात हर काम कराने का जैसे उन्होंने कहा तरीका होता है और वक्त होता है, कि आप वक्त की नजाकत को देखें ना, कि ये कहें कि जी मैंने तो करवाना है, वही काम आपका बाद में हो सकता है, लेकिन कभी कभी आपकी बात ठीक होती है लेकिन उसको करने का अंदाज गलत होता है, उसका टाइमिंग गलत होती है, तो ये समझ। अच्छा, ये बहुत ही कोई सीरियस किस्म की हमारी गुफ्तगू शुरू हो गई, लेकिन एक लड़ाई की मैंने बात पूछनी है, आप लोग जब जाते हैं फिल्मों में जाया करते थे, मुल्क से बाहर जाते थे, कहते हैं ना कभी किसी के मिजाज के बारे में जानना तो उसके साथ सफर करके देखो या खाना खा के देखो या खाना खा के देखो, तो खवातीन मेरा ख्याल है हमारी इंडस्ट्री में ना ज्यादा उनकी आपस में नहीं बना करती। नहीं नहीं, बहुत बनती थी। अच्छा, सेट के ऊपर काम के मामले में नहीं बनती थी, अब जब आप सेट पे खड़े हैं ना तो
तो अब किसी का लंबे डायलॉग है, ठीक है, अब सेट पे याद करते थे, सेट पे सीन मिलता था, पहले सिर्फ हमें एक एक वन लाइनर सुना दिया जाता था, ये आपका रोल है, ये आपके इतने गाने हैं, वाइंड अप में आप दोनों लड़कियां दोनों लड़के बराबर हैं, अगर 10 मुक्के मैंने मार दें तो 10 ही बाबर होंगे या 10 ही साउथ ने मार दें, ये हमारी लड़ाई काम की होती थी। मेरी कुछ काम करने की कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी तो ये कट हो जाती थी, कट हो जाती, मुझे हर कोई कट करा देता था, मैं नहीं फालतू थी, नहीं प्रोड्यूसर भी कट कर देते थे, ये पहनना है जी, ये तो मैं नहीं पहनूंगी, अच्छा जी उसकी जगह कोई और हीरोइन आ जाती थी। मेरी 30 ईयर थी इसको छोड़ के, 29 के साथ मैंने काम किया और मुझे बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं थी, यानी कि जिस हीरो के साथ मेरा चक्कर भी चल रहा था ना उसकी भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं, ये नहीं करता था, इस चीज का नहीं करना, हां ये तो बहुत अच्छे मेरे, अच्छा ये तो कहते थे ना, अच्छा चलो चंगा है थोड़ी देर आजादी मिले, ये ख्याल करते थे आप भी, कहते थे लड़की नहीं 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 हम आउटडोर जाने के लिए ना तो फिर तो कोशिश करते थे इकट्ठे इकट्ठे काम करें, तो बड़ा बड़े बड़े मजेदार दिन थे, बहुत मजा आता था। बेस्ट फिल्म बेस्ट टाइम किस मुल्क में गुजरा? हमने श्रीलंका में बहुत टाइम गुजारा है ना, और इस्तांबुल में, इस्तांबुल में हम 3 महीने रहे थे और 3 फिल्में इकट्ठी आ गई, हम एक फिल्म के लिए गए, दूसरी भी उधर आ गई, तीसरी भी पीछे से आ गई, जिनको हमने इधर आके करना था वो भी उधर ही आके पीछे, और इस्तांबुल तो वो और हमने इस्तांबुल और तकसीम चौक में, तकसीम चौक, तकसीम चौक, सुल्तान अहमद, और मैं कहती हूँ कि आपको वहाँ जाके ना एक वैसे ही नशा, कि आपका मुल्क यूरोपी हो लेकिन वो मुसलमान, मुसलमान सबसे बड़ी वहाँ पे चीज ये कि आप सब कुछ खा सकते हैं ना, हर चीज यूरोप कंट्रीज में जाके, और वो बहुत प्यार करते हैं हमसे, बहुत प्यार, ये तो अब दोस्ती तो अब ज्यादा ये ड्रामों की वजह से, ड्रामों से पहले, आज से 15 साल पहले 18 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत प्यार करते हैं। पाकिस्तान का नाम सुनते हैं उन्होंने आज भी याद रखा है, किस तरह पाकिस्तानियों ने कब और कैसे उनकी मदद, उस वक्त इतने चैनल्स नहीं थे, एक दो ही चैनल होते थे, वो भी जैसे हमारे भी दो थे, तो उनके नेशनल टीवी पे हमारी शूटिंग चल चुकी है और मैं वहाँ हिट हो गया था, एक दिन बाजार में निकला, मुझे गिफ्ट मिलते, हर दुकानदार फ्री रहता था, पाकिस्तानी रैम्बो, पाकिस्तानी रैम्बो, पाकिस्तानी रैम्बो, तो मेरा इंटरव्यू शक्ल मिलती थी, उन्होंने इंटरव्यू ऐसा चलाया और मैंने कहा यही क्या हुआ है सारे, तो इंग्लिश नहीं बोलते, इंग्लिश नहीं बोलते थे ना, उन्होंने अपनी जुबान में किया था, यानी आपने उन्होंने डबिंग की, हमने अपनी बोली वो अपनी बोले जा रहे थे, तो बीच में एक ट्रांसलेटर था जो कहता था इन्होंने ये पूछा, तो मैं हम अपनी जुबान में, वो हमारी उन्होंने डबिंग कर दी, और मेरे शॉट कुछ ज्यादा ही ना उस फुटेज में चल गए, तो वो तकसीम चौक में मेरे सारे दोस्त हो गए, कारदेश, कारदेश दोस्त के करते हैं, कारदेश कारदेश मेरा भाई, वहाँ ये भी है कि बाबर और रीमा का गाना तो हमारी छुट्टी है, तो हम घूमने फिरने कम ही गए हैं, तो हम भी सेट पे हैं, मैं ट्रॉली चला रहा हूँ, मैं साथ असिस्ट कर रहा हूँ, मैंने मैडम शिव मारा को, सैयद नूर साहब को, बाजी संगीता को और इकबाल कश्मीरी साहब को आउटडोर में बहुत असिस्ट किया। अच्छा मैंने सुना मैडम संगीता बहुत स्ट्रिक्ट थी, सख्त थी। हाँ हाँ सिद्धि तेरी हाँ बाजी क्या अल्लाह ने जिंदगी दे, बड़ी जबरदस्त दबंग बाजी है हमारी, और मैडम शमी मारा कहती डायरेक्टर, वो तो देख लेती थी कि मेरे एक्टर का मूड नहीं ठीक, अच्छा तो वो फिर शॉट ही नहीं लेती थी, हाँ हाँ तो हम जब तक इतने सॉफ्ट हार्टेड लोगों का तो लोग काम ही नहीं करते सर, भाई वो 5-10 मिनट की शूटिंग है, 1 घंटा लगा दिया उन्होंने, और मेरा एकदम मुझे अच्छी तरह याद है, तुम्हें याद है, मैं सुनाऊंगा याद आ जाएगा, पता नहीं कोई बात हुई, मैं कोई मस्ती कर रहा था अपनी, मुझे शरारते में करता रहता था सेट पे, तो मुझे फिर उन्होंने डांटा, हुआ ये क्या तरीका है, ऐसे है वैसे है, तो मैंने कहा अच्छा चले ठीक है बस सॉरी आप शॉट लें, मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा मैडम आप शॉट लें प्लीज चले बस, या उन्होंने आधा घंटा शॉट नहीं लिया, एक उनके हाथ में हर वक्त कोल्ड ड्रिंक की बोतल कोई भी होती थी मीठी, अच्छा अच्छा जी, वो ऊपर टिश्यू भी लपेट, इतनी नफीस हो या और धुले हुए कॉटन के कपड़े रोज शाम को और दिन को और सुबह और, और वो इस तरह के बहुत पहनती थी, ऐसा ट्राउजर और ढीला सा बिल्कुल, और एक रुमाल और एक कैप उनके सर पे होती थी, सब रेडी है शॉर्ट पे, सब सन्नाटा खामोशी, तो अब वो अच्छा रेडी हैं आप,
बट साहब कैमरा मैन आप रेडी हैं? हाँ जी। अच्छा टेक करते हैं, चलती यूं थी आस्ता आस्ता। अब ये आई, उन्होंने टिश्यू उठा लिया। ये मौली आप भी टिश्यू नहीं उठाते? हाँ रेडी हैं, अब टाइम दे रही है मुझे। अच्छा अब ये दो दफा यूं करेंगे ना तो ये रैम्बो है ये मैडम है। हाँ अच्छा चलो ये करो रेडी। हाँ ओके चलो ये पियो। मुझे सिप दिया मुझे। चलो मुंह ठीक करो, शॉट नहीं अच्छा होगा। हाँ टेक करेंगे, अब करेंगे एक्शन। ऐसी इसमें उन्होंने आधा घंटा लगाया। तो मुझे बताया कि जो आपका फिर एक टाइम फ्रेम होता है कि आपने इतने समय फिल्म बनानी है उसमें बन जाती थी उनकी फिल्म। आउटडोर 20 22 में 25 दिन में इसके बावजूद। हाँ 25 दिन में हम एक महीने के लिए जाते थे, 20 दिन में भी शूटिंग खत्म हुई है। प्रोड्यूसर धमाले मार रहे थे, वाह वाह वाह, 10 दिन का खर्चा बच गया भैया। नाइस बात है। सो आपका बेस्ट मूवी आज तक आप दोनों ने जो इकट्ठी की हो? देखिए सारी मूवीज मेरी अपनी है, मेरी मुझे जान से ज्यादा जो फेल फिल्में भी है वो भी पसंद है। और अक्सर आप मुझे राजू बन गया जेंटलमैन का फेल होने का बड़ा दुख है, है ना? मैं ये कह रही हूं मुझे उसका काम बड़ा पसंद है। मुझे अपने तौर पे हिट फ्लॉप होना अलग बात है, बिल्कुल। चोर मचाए शोर मुझे बहुत ज्यादा, और उसके सारे गाने भी आपके बड़े जबरदस्त थे उसमें, एनर्जी के उसके गाने आप आज भी देखें ना। और मैं साहिबा की ड्रेसिंग, साहिबा के हेयर स्टाइल देखती हूं माशाल्लाह, है ना, इतनी प्यारी लग रही होती हैं कि अच्छा। ये मेकअप के हेयर स्टाइलिंग से मुझे याद है, मैंने सुना फिल्म्स में आप भी आप अपना मेकअप खुद करती थी? हाँ सभी अपना बल्कि मेकअप खुद ही करती थी पहले। हीरोइंस मेकअप आर्टिस्ट वगैरह जो होते थे वो उसी हद तक होते थे कि किसी मेल का मेकअप कर देना, बाल बना देने, जैसे मुझे अभी भी जरूरत है काला। दो खूबसूरत हसीन लड़कियां बैठी हैं और मैं काला मुंह लेके बैठा हूँ, धूप में काला हो गया है। कोई काला काला नहीं कहते, व्हाइटिश कलर, व्हाइटिश कंप्लेक्शन। और ये हमारे इस खित्ते का रंग है और ये बड़ा खूबसूरत आपको बताऊं कि हम आउटडोर करते हैं। अब तो बड़ी सहूलतें आ गई हैं, ये बच्चों को तो बैठे बैठाए सब कुछ मिल गया। हमने तो बड़ी मेहनत की है, हमारे पास अपनी एक सिर्फ छतरी होती थी और अब तो वैनिटीज आ गई हैं और ये और एसी, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। ये नदीम साहब बैठे हैं, हम ऐसे ही बैठे थे, ये धूप है, सब ने छतरियाँ लड़कों ने ऊपर पकड़ी हुई हैं। कपड़े चेंज करने हैं तो आप इधर उधर देखा तो साइड पे जाके चादर पकड़ी दो लड़कों ने, तो हमने कपड़े बदल लिए। और करीब कोई घर देखा तो ये लड़कियाँ जाके उसमें ड्रेस चेंज करना है, चाहे वो पाकिस्तान है या बाहर है पहाड़ों में एबटाबाद मरी, किसी भी घर में जाके ये कपड़े बदल लेती थी। और हम आप तो इतना सादा पोर्ट्रे कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमने इनके गाने देखे, इनके डांसेस देखे हैं, दिमाग के देखे, इनकी तैयारी देखी है, वो तो नहीं लगता इतना सादा कि वो जो आपके जी साइड पर बदल के आ गए। अब लेकिन आगे तो अपना मेकअप वो करते थे, वो तो अपनी कुर्सी में बैठ के धूप में, कड़ी धूप, मई जून की धूप में ऐसे बैठ के मेकअप कर रहे, यानी इससे पता चलता है कि हम तो देख के बड़ा अट्रैक्ट होता है ना कि वाह एक्टिंग तो कोई काम ही नहीं। अक्सर लोगों से पूछा जाए एक्टर है और पूछते हैं अच्छा नहीं आपका प्रोफेशन क्या, एक्टिंग तो चलो गई, इतनी मेहनत का काम है ये। बिल्कुल। और ये आज अगर आप YouTube पे जाए ना और इंडियन जो सीनियर एक्टर्स हैं आप उनकी भी अगर कहानी सुने ना तो वो भी हमारी तरह ऐसे ही काम करते हैं। ये 2000 के बाद एकदम सब कुछ चेंज, मिलेनियम जैसे ही बदला, 2000 तक 99 तक ना इसी तरह काम होता था और उसी कैमरे पे जो उनके पास था, जो 2000 के बाद एकदम सब चेंज आया और हम बंद करके बैठ गए। हमारे पास पैसे नहीं थे चेंज करने के, एकदम महंगा सामान था तो हम चुप कर गए। अब तो हमारे पास तो टेंट नहीं होता था कि वो लगा के उसमें बैठ जाएं, ओपन छत उसमें बैठे थे खुले आसमान के नीचे। और अब तो माशाल्लाह मैंने दो फिल्में की हैं, मैं गया हूँ तो इक्विपमेंट ही इतना ज्यादा है कि होश उड़ जाते हैं। 200 लाइटें लगी हुई हैं, अब तो वैनिटीज वैन है। लेकिन आप देखिए आप लोग आप वो लकी लोग हैं जिन्होंने वो दोनों दौर देखे हैं कि पहले क्या मूवी, हम तो बस सुनते हैं कि वो मूवीज क्या थी अब क्या है। सो आपने ऑलरेडी नेचुरल प्रोसेस और एक्सपीरियंस से लर्न किया और अब तो आप जितनी मर्जी रिटेक दे देना, है ना, हमें कोई फीतना तो हमें तो रिटेक का मार्जिन ही नहीं होता था। हाँ हाँ आप भी फीते वाले दौर, 1000 फीट आता था 10,000 का उस वक्त 90s में, 10,000 का नेगेटिव, तो वो 1000 कितनी देर में निकल जाता है आपको पता है? 2010 तक तो ये फिल्में बनती रही हैं, 10 तक तो फीते वाली बनती रही हैं इंडिया में भी। तो उसमें अब नेगेटिव
एक लिमिट है, बजट है, इतने डब्बे हैं जिसी में फिल्म बनानी है। अब डायरेक्टर ने एक शॉर्ट बनाया, मूव होती थी उस वक्त, अब तो ओटी में और चलो जी खत्म हो गई शूटिंग। पहले तो मूव होती थी, एक एक्टर चल के वहां जा रहा है, दूसरा यहाँ आ रहा है, वो ट्रॉली वहां जा रही है, ट्रॉली से फिर आगे ट्रॉली आ रही है, ट्रॉली ने फिर यहाँ चले जाना है, तो एक बड़ा जबरदस्त एक जाल बुना जाता था। अब उसमें आपने एक रिटेक दे दी ना तो दूसरी टेक हो जाएगी, तीसरी भी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, वहां पे वो कट डाल देते हैं कि इसका क्लोज डाल के तो यहीं से आ जाओ। हमारे पास ये प्रॉब्लम होती थी, जो डायरेक्टर सोचता था वो कर नहीं पाता था, उसको कट लेने पड़ते थे, कट लेने पड़ते होते थे। अगर आपको उस दौर का, आज के दौर में कोई उस जमाने की फिल्म दोबारा बनाना चाहे तो कौन सी ऐसी होगी जिसको आप दोबारा जीना चाहेंगे? मैं अपनी सारी फिल्में बनाना चाहूंगा, मैं हीरो फिल्म भी दोबारा बनाना चाहूंगा, मैं मुंडा बिगड़ा जाए भी दोबारा बनाऊंगा, मैं चोर मचाए शोर भी दोबारा बनाऊंगा। क्यों, आप उसको एंजॉय करना चाहते हैं? आपको सारी लगती है आपके दिमाग में मुंडा बिगड़ा जाए लेकिन जब कैमरा ऑन होता है तो पता नहीं फिर एकदम करंट पता नहीं कहां से आता है। यही तो खास बात है आप लोगों की कि वो कैमरा स्टार्ट होते साथ ही करंट आता है, लेकिन आप लोगों के साथ फिर उस कैमरे की एक आवाज भी होती थी, स्टार्ट साउंड कैमरा उससे हमें फोर्स मिलती थी। वाह, है ना, एक एक्स्ट्रा एनर्जी अंदर से, हमारे अंदर से निकलती थी एक्टिंग के, यार अभी कैमरा चल रहा है, वो हमें देख रहा है, उसने हमें यहाँ तक लिया हुआ है, इतना लिया हुआ है, उसमें हम आ रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर एक खून की भी रवानी तेज हो जाती थी। एक्स्ट्रा एनर्जी पोटेंशियल उस टाइम में आवाज से आता था। माशाल्लाह आप दोनों का काम एरा साथ का टाइम इतना बड़ा इतना तवील है कि वो खत्म हुई बातें ही नहीं खत्म हो सकती। मुझे तो लगता है मैंने भी हर एक को ना थोड़ा थोड़ा जाके टच किया है, डिटेल बातों के लिए हमें बहुत सा टाइम चाहिए, लेकिन आज के लिए हमारा इतना ही टाइम। लेकिन मैं आपसे भी अब दो चार बातें बिल्कुल जी साहब का कैमरा आपका सब कुछ, लेकिन मेरे यहाँ पर इतना ही है, लेकिन बहुत सी इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे हमारी जिंदगी भर मुलाकात होगी। मैं एक सवाल पूछूंगा, वो आपके चैनल पे भी पूछूंगा जरूर जरूर। अच्छा, मेरे चैनल आप भी माशाल्लाह स्टार है, इसमें कोई शक नहीं है। अब अभी लंदन में बातें सुन रहा था, जब आप बाहर शूट करवा रही थी कि लंदन गई हूँ, मुझे लोगों ने ऐसे पहचाना वैसे पहचाना, तो ये किस वजह से हुआ आपको पता है, इसका अंदाजा है कुछ? बिल्कुल, मैं ज्यादातर जो मेरी रिकग्निशन हुआ करती थी या लोग पहचानते थे वो मेरे जो मैं शो करती हूँ खबरदार, और ये कि आप आफ्ताब इकबाल साहब के शो में आ रहे हैं। हाँ जी, ये मैं सुनना चाह रहा था। बिल्कुल, आफ्ताब इकबाल साहब को ये क्रेडिट जाता है और जिसको क्रेडिट जाए उसे देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो मैं तो भरमला ये हर जगह कहता हूँ कि उन्होंने ऐसे उनके लिए मैसेज दे रहे हैं, भरमला कोई गड़बड़ हुई तो मुझे माफ कीजिए। अच्छा, तो देखें जो जिसको क्रेडिट जाता है, यही लड़के ये जो आजकल बहुत, एक कुछ तो हम मेरे बराबर के थे, कुछ मेरे बाद आए दो तीन साल बाद, वो भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं, और कुछ वो लड़के जो आफ्ताब भाई ने उनको स्टार बना दिए पाकिस्तान में, नहीं इंटरनेशनली, आप अभी अब होके आई हैं लंदन में, आपको हर बंदा जान रहा था, तो जो उस वक्त एक एक एंट्री करते थे और हम सोच नहीं सकते थे कि यार ये ऐसा रोल भी कर सकता है, ये लड़का ये भी कर सकता है, ये किसी को नहीं पता था। बात ये है कि यहाँ पे करने वाले बहुत हैं, करवाने वाला कोई नहीं है। आफ्ताब इकबाल साहब जैसे पांच बंदे और मिल जाए ना मीडियम को, तो बड़े बड़े एक्टर और बड़े बड़े लोग यहाँ से निकले। अच्छा, खुल के एक आप ये बात करें कि ये वाले जो हमारे जो कॉमेडियंस हैं वो साफ बात भी कर सकते हैं। साफ सुथरी कॉमेडी भी कर सकते हैं, यहाँ पर आए तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया अच्छी बात करने का, वो एक्टर मिट्टी है जी, गीली मिट्टी है, उसको डायरेक्टर ने अपने मर्जी से उसको सांचे में डालना, उसको कैसा चाहिए। तो आफ्ताब इकबाल साहब को जाता है ये क्रेडिट कि उनके लिविंग स्टैंडर्ड भी बड़े अच्छे हो गए, जिसकी हमें बहुत खुशी है, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सबको इज्जत दे, सबको अपने घर दे, सबको अपनी सवारी दे, ये बहुत बड़ी नेमत है, अपनी सवारी अपनी छाप। बिल्कुल जी, ये एक्टरों के पास अगर हम 10 साल पीछे जाते हैं ना तो बहुत कम थी,
अब जब हम नजर दौड़ा के देखते हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह हर एक्टर की अपनी छत है और अपनी सवारी है। अच्छा जी, आपका बहुत शुक्रिया इधर ही बैठे। अच्छा डॉक्टर अजूबा, क्या मैं तो जानती नहीं मैं YouTube से अयुबा। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपने मेरे चैनल को टाइम दिया। भाई कैसी बातें करते हैं आपके लिए हम, मैं कहती हूँ मैं हमेशा तैयार होती हूँ, आपकी कॉल आती है एंड मैं नहीं देखती, मैं बस स्केड्यूल होती है, कोई रिकॉर्डिंग ना तो मैं दौड़ी चली। आप हमारे इस सैलून की ओपनिंग में भी थी। बिल्कुल, इस सैलून का जो पहला हमने इवेंट किया था यहाँ पे जी बाहर लॉन्चिंग की थी। नहीं नहीं, एक वो जो हटाउन में एक्सपो सेंटर में, एक्सपो सेंटर में किया था, उस वक्त भी आप हमारे साथ थी, आज फिर आप हमारे साथ हैं। बल्कि आपके इस हवाले से भी आप काफी बार साहब की बात कर रहे थे, मैं इंग्लैंड में थी तो इसी तरह मुझसे कोई मिली, क्योंकि खवातीन अक्सर इतना नहीं जानती होती, हम ज्यादातर ना मैंने देखा यंगस्टर्स यूथ और मर्द हजरात इतना शोज को फॉलो करते हैं। तो एक खातून मुझसे मिलने आई तो खास मुझे देखा, उन्होंने कहा मैंने आपको ना कहीं देखा है, तो मैंने अक्सर यूली लोगों को बताती कि मैं कौन हूँ कहाँ से है ना, तो उन्होंने कहा मैंने ना आपको साहिबा के सैलून की लॉन्चिंग पे देखा है, तो मैं वहां से याद थी, तो इसलिए मैं पापा से पूछने, बल्कि वो भी इसलिए पूछे कि मैंने आपको वहां देखा था और तब से मेरे दिमाग में कुछ बैठा था कि किसी से पूछ लीजिए आप दोनों वाकई में रिश्तेदार हैं, तो लोगों को यहाँ से भी याद है कि इनका जो था वो कहाँ कहाँ तक वीडियो नहीं थी। अच्छा, और ये बाहर से जो भी आता है चाहे यूरोप हो अमेरिका हो कोई भी आएगा वो पहले यहाँ मेरे सैलून आएगा कि जी आपकी वीडियो यूट्यूब पे देखी थी और हमने कहा था कि हम साहिबा के सैलून पे जरूर है ना, कितना खूबसूरत ये मीडियम हमारा बन गया है यूट्यूब पर, भी लोग देखते हैं और फिर आते हैं और इनके सैलून में आके बंदा वाकई में बहुत एंजॉय करता है, ना सिर्फ हसीन खूबसूरत होके जाता है बल्कि बाकी सर्विसेज के साथ बहुत रिलैक्स होके भी जाता है। बहुत शुक्रिया, सब वीडियो में आपने पब्लिसिटी भी कर दी साइबर सैलून की, ये भी अच्छा है, तो बहुत शुक्रिया आपका, और बातें बड़ी हैं लेकिन फिर कभी करेंगे इंशाल्लाह, और आपका शुक्रिया बेगम साहिबा, आपका तो शुक्रिया मैं अदा करता ही रहता हूँ, आपका ये बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझसे शादी कर ली, वरना मैं पता नहीं किधर कल्ला ही फिर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तो आप देख रहे थे जान रखो यूट्यूब चैनल, अगले वीडियो तक आपसे इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं जान रैम्बो YouTube चैनल, टैन टैन देखते रहिए, हाँ ना।